Parshuram to the entire Parish. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi, for his leadership that has made this construction possible after 500 years. Well, I'd be delighted to visit the Ram Temple. I'm very pleased to be here today. Jai Shri Ram to the entire Parish. Uttam Bharat. मैं यहाँ पैगाम में मोहब्बत लेके आया हूँ, जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। न्यूजीलैंड की कनाडा, उन्होंने सब मिले भारत সম্মান না করেন তাহলে আপনি কিভাবে সম্মান পাবেন? Well, I'd be delighted to visit the Ram Temple. I'm very pleased to be here today. Jai Shri Ram to the entire Parish, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership. Babri Masjid ki baat kar rahe hain, wahan to Hindu raj hai, wahan to Musliman apni zindagi kaise pata nahi guzar rahe hain. Agar hum Pakistan ke andar azad zindagi guzar rahe hain, masjid ke samne khade hain, namaz pad rahe hain, sab kuch, hame to Allah Taala ka shukr ada karte hain hum. लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। अच्छा। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। अच्छा, आज भी है, ये भी है। चले, आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा की हकीकत तो क्या है। वो इतना खुश है की पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। लिए हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है की ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए की ये चीज नहीं होनी चाहिए। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही है भाई, मुसलमान उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे। वो लोग जो है ना स्ट्रांग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि कश्मीर अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी वो। जी जी हाँ। भी हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया है कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े। अच्छा। ना शहीद करे। अच्छा। आरएसएस एक कट्टर हिंदू तंजीम है। अच्छा। और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और इंडिया में अगर 1 अरब से ज्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके 140 करोड़ है, 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू है, 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया, मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है। अच्छा। वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने जबरदस्त वो तो अपनी मिसाल आप
एक ऐसी चीज नजर आई है और वो मोदी साहब सिर्फ बस यूं करके जा रहे हैं, खड़े हैं और कुछ भी, और इंतहाई वो डाउन टू अर्थ हम्बल तरीके से, और लोग उनके ऊपर अपनी जाने निशावर कर रहे हैं। उन्होंने करके ऐसे दिखा दिए काम, तो जो उन्होंने करके वखाता है, जिन्हें जो खाना है वो खा ले, कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते आप। और आप ये देखिए कि ये वो स्टेप है जिसके ऊपर पूरी दुनिया से उनको मुबारकबादें दी जा रही है, लीडर्स जो मुबारकबादें दे रहे हैं, प्राइम जो न्यूजीलैंड के मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। इट्स अ टेस्टमेंट व्हाट पीपल कैन डू। और उन्होंने कहा 1000 ईयर्स के लिए जो है ये यहाँ पर कायम किया गया इसको, यानी 1000 ईयर्स के इस इमारत को, इस बिल्डिंग को, जो दुनिया के हालात के थपेड़े हैं वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप और सूरज की, बारिश, तूफान, सैलाब, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसकी वजह ये है कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है कि 1000 ईयर्स तक जो है इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बात 100% ठीक है, ये बिल्कुल, ये पहले वहां पे मंदिर था, ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ये इंडिया की हिपोक्रेसी है, पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मॉक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। देखें ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मोदी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले मैं तो इंडिया चला जाऊँगा, कम अज़ कम वहाँ पर जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है, तो यहाँ पर मुस्लिम मुस्लिम की टांगें खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है, आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अमेरिका तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आज़ादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊँ। बाबरी मस्जिद का ये सानिया हुआ था, तो पाकिस्तान में आपको पता कितने मंदिर गिरे थे? ये तो एक शैतान जो है ना साम्राज्य, ये फितने बोता है, ये फितने पैदा करता है कि ये खिता तरक्की ना करें। देखिए ना, हमने तो अपना मुल्क बिल्कुल तबाह कर लिया। आज इंडिया के रिजर्व देखे 600 अरब डॉलर के उनके रिजर्व हैं, और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे तांगे के। पहले तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक मिलने चाहिए, तो मुसलमानों का ये हक है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पर ही वो मंदिर वहाँ पर बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिमा को ठेस पहुँचती है इस बात से, और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। मैं मान करीब देखिएगा, आप ये देखिएगा कि हर स्ट्रीट में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर होगा। अच्छा। ये हमारे बच्चे देखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि हमारे सरबरा कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ नाम के मुसलमान हैं।